बहुत बढ़िया, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं आप। आपकी कैप्टनसी काफी अच्छी रही, गेंदबाजी काफी अच्छी रही, लेकिन फील्डिंग में अभी भी आपको सुधार की जरूरत है। इतने सारे ड्रॉप के, निर्मल के रन आउट, एक नो बॉल भी जो कि निर्मल आउट हुए थे, तो फील्डिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगले मैच में इससे भी ज्यादा बेहतर सुधार करूंगा और करने की कोशिश ज्यादा करूंगा। जी हाँ, और लोकनाथ की ये धुआंधार बल्लेबाजी, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ उसका बैटिंग से और आगे भी कुछ करने का कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया, इधर जोरदार तालियां। और आज के मैच के हीरो हमारे लोकनाथ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां देते हैं। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की गेंदबाजी। पिछला सीजन आपने मिस किया जरूर था, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा देख के, और इस बार फिर से वापसी की है अपने जीपीएल में। तो पहले तो बताएं कि आपको इस बार जीपीएल में खेल के क्या अनुभव हुआ? पहले तो मैं कमेटी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतना बढ़िया टूर्नामेंट करवाते हैं, जो कि इतना अच्छा ग्राउंड है, जो इतना दूर दूर जाते हैं लेकिन ऐसा ग्राउंड नहीं मिलता है जो यहाँ मिला खेलने को। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले हम कोशिश किए थे कि यहाँ खेलेंगे, लेकिन हमको पता नहीं था कि ऐसे टूर्नामेंट होता है यहाँ पे, लेकिन हमको जानकारी दोस्त लोग दिए कि नहीं बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता है, तो हमने फॉर्म भरे जो कि बहुत, और हमको लगा कि हम अपना अपने पर खेलना है बस, इतने जाने थे बस। आपने शुरू में दो कैच भी निर्मल के ड्रॉप किए, थोड़े से गुस्से भी नहीं लग रहे थे आपके जो गेंदबाज नीतेश थे, लेकिन उसके बाद से जो आपने गेंदबाजी भी की लास्ट ओवर में, उसके बाद जो बल्लेबाजी की, आपको लगा कि देखिए कि आप उस बातों को भूल चुके हैं, तो वो प्रेशर आपने किस प्रकार से अपने ऊपर से हटाया? हमने कोशिश किया कि सबको कोशिश तो नहीं, जहाँ तक हमको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गुस्से में थोड़ा थे, लेकिन ऐसे गुस्से आने पर हमको लगा कि प्लेयर भड़क सकते हैं, इधर उधर कैच भी छोड़ेंगे सब कुछ, इसीलिए हमको जहां तक लगा कि नहीं कंट्रोल करना चाहिए, इसीलिए बस। आपको जो कैप्टन बालोदा है उनके अंदर खेलने का अनुभव कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग लग रहा है इनकी कैप्टनशिप के अंदर? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया कैप्टनशिप है, जो यहाँ का जो देखे इसका टॉस होने के बाद अपना टॉस उसको सब लोग को दिए, हमको इसमें ये पता चला कि बॉल नहीं भाग रहे हैं, उसके अनुसार से खेलना है। आपने काफी जगह जगह काफी क्षेत्रों में जाके क्रिकेट को खेला है, काफी योगदान रहा आपका क्रिकेट के क्षेत्र में, तो आपको जीपीएल 8 में खेलकर कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा, यदि हम यहाँ नहीं खेलते ना तो हमको बहुत परेशानी होता, ये चीज तो बहुत बढ़िया लगा। और आज के मैन ऑफ द मैच, मैच रेफरी विनोद जी के द्वारा लोकनाथ जी को दिया जाएगा, एक बार जोरदार तालियां। जोरदार ताली रे बच्चा सर, जोरदार ताली एक बार। और जो छक्के परिणाम थे वो हमारे विनोद जी के द्वारा, प्रत्येक छक्के पर ₹50, तो 3 छक्के दर्ज। कमाल की, हमारे सचिव संदीप मंडल जी के द्वारा जिनका जीपीएल में काफी योगदान रहता है, ₹2,000 का पुरस्कार उज्जवल जी को, जोरदार ताली बच्चा रे, हल्ला करो रे। और जो उनके ऑनर मुन्ना जी हैं, सूरज, रनर अप टीम जो है रिची रॉकर, उनके ऑनर मुन्ना जी को फौजी सुमन भैया की तरफ से ₹1,000 का नगद पुरस्कार, जोरदार।